घरेलू हिंसा की शिकार बेटी को शादी के बंधन से मुक्त कराने का वीडियो आपने द फोर्थ पिलर के पन्ने पर जरूर देखा होगा, जिसमें प्रेम गुप्ता अपनी बेटी साक्षी को उसके ससुराल से बैंड बाजे के साथ घर ले आए। अब तक 25 लाख लोग इस वीडियो को देख चुके हैं। इसका अर्थ है कि आप यह वीडियो देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं और उस पिता की सराहना कर रहे हैं कि उसने समाज के सामने एक नई मिसाल पेश की है। इस समर्थन के लिए शुक्रिया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि झारखंड में कितनी ऐसी शादीशुदा महिलाएं हैं जो घरेलू हिंसा की शिकार हो रही हैं, जिनके पिता या परिवार इस स्थिति में नहीं है कि उसकी शादी तुड़वाकर उसे घर ले आ सके। क्या आप जानते हैं कि घरेलू हिंसा के मामले में झारखंड की स्थिति क्या है और कितनी महिलाएं अपने पति या परिवार के द्वारा शारीरिक, मानसिक और यौन हिंसा की शिकार होती हैं? राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के अनुसार झारखंड में 18 से 49 साल की 33% विवाहित महिलाएं घरेलू हिंसा की शिकार होती है। इसमें 3.4% महिलाओं के साथ गर्भावस्था में हिंसा होती है, जबकि भारत में विवाहित महिलाओं के खिलाफ हिंसा 31% है, जो झारखंड से 2% कम है। NCERB के आंकड़े कहते हैं कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा में झारखंड देश भर में 3rd स्थान पर है, यानी हम उन राज्यों की सूची में हैं जहां महिलाओं के खिलाफ हिंसा की सबसे ज़्यादा घटनाएं होती हैं। 2020 में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा के 3,71,503 मामले सामने आए हैं। गौर करने वाली बात यह है कि घरेलू हिंसा के अधिकतर मामले दर्ज ही नहीं हो पाते। वास्तविक आंकड़े काफ़ी डरावने हो सकते हैं। एक्सपर्ट्स का कहना है कि देश भर में 99% यौन हिंसा के मामले रिपोर्ट नहीं किए जाते। जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं वे वास्तविक आंकड़ों का सिर्फ 1% ही है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि देश और राज्य भर में कितनी महिलाएं घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं। घरेलू हिंसा के कारणों पर नजर डालें तो इनमें दहेज के कारण प्रताड़ना, पितृसत्तात्मक सोच, मेल ईगो आदि प्रमुख कारण हैं। कई बार पुरुष महिलाओं को नौकरी करने की इजाज़त तो दे देते हैं, लेकिन फिर उन्हें इस बात के लिए प्रताड़ित किया जाता है कि वे कभी काम से देर से घर आती हैं। इस हिंसा को सहने का एक कारण यह भी है कि हमारे समाज में ऐसी मान्यता बना दी गई है कि शादी के बाद लड़की अपने पिता के घर वापस आकर नहीं रह सकती, भले ही ससुराल वाले उसको कितना ही प्रताड़ित क्यों न करें, जिस कारण अधिकांश महिलाएं बिना किसी से शिकायत किए शांति से हिंसा को सहती रहती हैं। इसी बंधन को तोड़ने की हिम्मत प्रेम कुमार जैसे पिता ने दिखाई है। घरेलू हिंसा करने वालों को सजा दिलाने के लिए यूं तो कई तरह के कानून बने हैं, लेकिन इस तरह के हिंसा कानून से नहीं खत्म किए जा सकते। जब तक समाज में बदलाव नहीं आएगा, जब तक लोग अपने घरों से ही इसे खत्म करने की शुरुआत नहीं करते, ये खत्म नहीं होगा। माता पिता की इसमें अहम भूमिका होती है। वे अपने बच्चों को ऐसी सीख ना दें कि प्रताड़ना के बावजूद उन्हें पति के साथ रहना होगा। उन्हें बताएं कि किसी बुरे रिश्ते से निकल आना सबसे अच्छा होता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मेरा नाम है अवंतिका और आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर डॉट न्यूज। अगर आप चाहते हैं कि हमारे वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बिना देरी के मिलता रहे तो आप इस चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब जरूर कर लें। बाकी आप हमारे काम को लेकर कोई सुझाव हमें देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स में आप सादर आमंत्रित हैं। इसके अलावा हमारे वीडियोस आपको अलग अलग ठिकानों जैसे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पर भी देखने को मिलेंगे, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिए गए हैं। शुक्रिया।